स्टडी क्लास दो में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको क्यू के इम्पोर्टेंट एम करवाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं तो आप इन एम को अच्छी तरीके से याद कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर क्वेश्चन वन रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयरड वैन द ओरिजिनल सेंक्शनड एस्टिमेट एक्सीड बाय तो रिवाइज एस्टिमेट हम कब करते हैं जब ओरिजिनल सेक्शन जो एस्टिमेट है वो ज़्यादा हो जाए पाँच परसेंट से फाइव परसेंट से एक्सीड हो जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर सेकंड टू कलर हंड्रेड स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ फील्ड रूपिंग द नंबर ऑफ मैंगलोर टाइल्स रिक्वायर्ड बिल बी तो यहाँ पर मैंगलोर टाइल्स का नंबर ऑफ मैंगलोर टाइल्स के लिए बात बोल रहा है यहाँ पर तो हंड्रेड स्क्वायर मीटर इसका एरिया दिया हुआ है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है एक स्क्वायर मीटर एरिया में नंबर ऑफ जो मैंगलोर टाइल्स की ज़रूरत पड़ती है वो फिफ्टीन होती हैं या सिक्सटीन होती है पंद्रह या सोलह या आपको याद करना है तो यहाँ पंद्रह का मल्टीप्लाई हम हंड्रेड स्क्वायर मीटर एरिया से कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड पंद्रह सौ इसका आंसर आ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर टेन क्यूबिक मीटर सीमेंट कॉन्क्रीट ऑफ बंद्रेसो टू जीरो फोर द सेंड रिक्वायर्ड यहाँ सेंड की क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है वो सीमेंट कॉन्क्रीट का प्रोपोर्शन दिया बंदरेश टू जीरो फोर दिया है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है सबसे पहले इसका फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ड्राई वॉल्यूम अपन सम ऑफ प्रोपोर्शन इसका फॉर्मूला होता है तो ड्राई वॉल्यूम जो है हमको निकालना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो वॉल्यूम दिया हुआ वॉल्यूम दिया है उसमें हम क्या करते हैं 1.52 फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ड्राई वॉल्यूम आ जाता है तो ड्राई वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.52 में अपॉन में क्या आ जाएगा जो समोप प्रोपोर्शन है 1 प्लस टू प्लस फोर आ जाएगा तो हम इसकी इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी क्वान्टिटी किसकी क्वान्टिटी निकल के आएगी सीमेंट की क्वान्टिटी निकल के आएगी इस सीमेंट की क्वांटिटी से हमको क्या निकालना है सेंड की क्वांटिटी निकालना है तो यहाँ जो प्रोपोर्शन में टू दिया है उस टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंड की क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी कितनी आ जाएगी फोर पॉइंट फोर क्यूबिक मीटर आ जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर ओपनिंग्स एक्सीडिंग थ्री स्क्वायर मीटर इन प्लास्टिक द डिटेक्शन इज मेड के केस में जो ओपनिंग्स है तीन स्क्वायर मीटर एरिया से ज़्यादा की ओपनिंग्स है तो उसमें हमको डिडक्ट डिडक्ट करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो क्या घटाना पड़ेगा बोथ फेसेस दोनों तरफ का जो फेसेस है वो हमको डिडक्ट करना पड़ेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर फाइव डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स ऑफ जनरल वर्क्स यहाँ पर वॉल्यूम्स के केस में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लिए बोल रहा है वो तो कितना लेती है ज़ीरो पॉइंट जीरो वन क्यूबिक मीटर लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर सिक्स बल्केज ओवर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन सीमेंट कॉन्क्रीट बन रेसो थ्री रेसो सिक्स इज टेकन यहाँ कोर्स एग्रीगेट के लिए यहाँ बल्केज की बात कह रहा है बल्केज के लिए बोल रहा है कितना बल्केज होगा और सीमेंट कॉन्क्रीट का जो प्रपोर्सन दिया बन रेसो थ्री रेसो सिक्स में तो यहाँ इसका जो आंसर होगा ट्वेल्व परसेंट बारह परसेंट इसका आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन वैन ए वर्क इज पार्शियली एवं एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग वर्क इज लेस देन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द ओरिजिनल वर्क द एस्टिमेट प्रिपेड इज तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो एस्टिमेट बनाएंगे वो एस्टिमेट कौन सा बनाएंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट, एस्टिमेट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर एट रेट एनालिसिस इज डन फॉर फाइंडिंग तो रेट एनालिसिस हम किस लिए करते हैं करंट रेट ऑफ आइटम के लिए रेट एनालिसिस करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन इन एबसेंस ऑफ डिटेल्ड डिजाइन द क्वांटिटी ऑफ स्टील फॉर कॉलम इज टेकन स्टील की क्वांटिटी के लिए बोल रहा है कॉलम में जब हमारे पास डिटेल्ड डिजाइन नहीं है तब तो क्या करेंगे हम जो क्वांटिटी लेंगे स्टील के लिए कॉलम कॉलम के लिए स्टील की वो कितना लेंगे यहाँ वन टू फाइव परसेंट लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वन टू फाइव परसेंट ऑफ आर सी सी वर्क इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन ए बास बेसिन ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर इंटू थर्टी सेंटीमीटर इज फिटेड इन ए लेबोटरी फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टी फॉर प्रिपेयरिंग द एब्सट्रेक्ट ऑफ दिस द यूनिट विल वी तो इसके लिए यूनिट के लिए बोल रहा है कि बास बेसिन की जो यूनिट होगी वो कितने क्या लेते हैं नंबर लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन नंबर इलेवन विच इज़ इन जॉब ओवरहेड्स फ्रॉम फॉलोइंग तो जॉब ओवरहेड्स में क्या आ जाएगा वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वन पार्ट ऑफ एन अर्थन डैम इज फ्लोन ड्यू टू हैवी रेन फॉर फॉर रिपेयरिंग दिस द एस्टिमेट टू बी प्रिपेयर्ड विल बी तो यहाँ पर जो अर्थन डैम है वो हैवी रेन के लिए हैवी रेन में या भारी वर्षा के कारण क्या हो जाए फेल हो जाए तो इसके लिए जो एस्टिमेट uh, होगा वो कौन सा होगा स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट होगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन एज पर आई एस दब मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर पेंटिंग बोथ साइड्स ऑफ फुली पेनल डोर फुली पेनल डोर के लिए पेंटिंग के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है दोनों तरफ दोनों साइड के लिए बोथ साइड्स के लिए तो कितना लेते हैं हम टू पॉइंट टू फाइव लेते हैं आप इसको याद कर लेना तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फ्री लेड फ्री लीड एंड लिफ्ट इंक्लूडेड इन डेट ऑफ अर्थ वर्क इज तो कितने लेते हैं -lead lead, हम फ्री लीड और लिफ्ट थर्टी मीटर लीड थर्टी मीटर या फिफ्टी मीटर हम लीड लेते हैं और वन पॉइंट फाइव मीटर हम लिफ्ट लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इसको भी आपको याद करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रिपेयर ऑफ डैमेज ऑफ एविटमेंट पियर ड्यूरिंग फ्लड तो फ्लड uh, के कारण जो एविटमेंट uh, का पियर है वो डैमेज हो जाए तो उसके रिपेयर के लिए हम क्या करते हैं कौन सा रिपेयर यूज करते हैं स्पेशल रिपेयर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेशल रिपेयर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द ब्रेक बर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ तो यहाँ ब्रेक बर्क को हम मेजर करते हैं इन स्क्वायर मीटर कौन से केस में मेजर करते हैं तो यहाँ नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो एक तो दिया हनीकॉम ब्रेक वर्क इसमें भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं ब्रिक फ्लैट सोलिंग में भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं हाल ब्रेक बाल्स द पार्टीशन में भी हम क्या करते हैं स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द एबॉफ डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज यहाँ पर uh, नीचे दिया जो आइटम दिए हुए हैं उनमें से जो स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है वो कौन सा आइटम है तो कोलेप्सिबल गेट्स को भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं रोलिंग सेटर्स को भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं वेंटिलेटर्स एंड ग्लेजिंग को भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द एब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन द हाइट ऑफ द सिंक ऑफ बास बेसिन एब फ्लोर लेवल इज कैप्ड यहाँ बास बेसिन की जो हाइट है फ्लोर लेवल से फ्लोर लेवल से तो वो कितनी रखते हैं वो इसका आंसर हो जाएगा सेवनटी फाइव सेंटीमीटर टू एट्टी सेंटीमीटर हम रखते हैं करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक्स इज तो एक्चुअल साइज़ क्या होता है मॉडलर ब्रिक्स का तो इसका आंसर हो जाएगा नाइनटीन सेंटीमीटर इंटू नाइन सेंटीमीटर इंटू नाइन सेंटीमीटर तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग तो पॉइंटिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर ये भी सही है हमारा लास्टिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर ये भी सही है ग्लेजिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर ये भी हमारा सही है ऑल द एब तो ये सारे आंसर ये सारे ऑप्शन क्या है हमारे करेक्ट हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल द एव क्वेश्चन ट्वेंटी वन इन लॉन्ग एंड शॉर्ट बाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन लेंथ ऑफ लॉन्ग बाल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड तो इसका क्या हो जाएगा इसके आगे हाफ ब्रेथ ऑफ बाल ऑन ईच साइड तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द एरिया इज मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट तो एरिया को करेक्ट कितना करेक्ट मेजर करते हैं नियरेस्ट कितना मेजर करते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन स्क्वायर मीटर के स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं तो इसको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर्स इन केस ऑफ यहाँ पर स्क्वायर मीटर में कौन मेजरमेंट नहीं किया जाता है कौन सा नहीं किया जाता है देखो डी पी सी डैम प्रूफ कोर्स है ना तो ये तो किया जाता है स्क्वायर मीटर में मेजर फॉर्म वर्क जो शटरिंग वगैरह होती है सेंटिंग वगैरह होता है तो वो वाला वर्क भी किस में मेजर किया जाता है स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है कॉन्क्रीट जाफ्रिज तो ये भी स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है ठीक है तो जो स्क्वायर मीटर मेजर नहीं किया जाता है उस ऑप्शन के बारे में यहाँ पूछ रहा है तो आर सी जो छज्जा है वो स्क्वायर इस मीटर में मेजर नहीं किया जाता है वो क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है तो डी इसका यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वी हैल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट तो डिटेल एस्टिमेट जब प्रिपेयर करते हैं तब क्या करते हैं डायमेंशन शुड बी मेजर करेक्ट टू जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर लेते हैं एरिया शुड बी मेजर करेक्ट टू जीरो पॉइंट जीरो वन स्क्वर मीटर लेते हैं वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू जीरो पॉइंट जीरो वन्यूबिक मीटर लेते हैं तो so, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल द है हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज तो मोस्ट रिलाएबल एस्टिमेट के बारे में यहाँ बोल रहा है सबसे विश्वसनीय जो एस्टिमेट है वो कौन सा है तो डिटेल्ड एस्टिमेट सबसे रिलायबल एस्टिमेट होता है तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अकॉर्डिंग टू आई एस आई मेथड ऑफ मेजरमेंट द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस इज यहाँ पर मेजरमेंट uh, का जो ऑर्डर है उसके बारे में पूछ रहा है तो यहाँ सबसे पहले जो ऑर्डर जो होता है मेजरमेंट का वो क्या होता है लेंथ होता है पहले लेंथ फिर उसके बाद ब्रिथ उसके बाद हाइट तो इसका जो आंसर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड द एरिया ऑफ कारपेट एरिया को किस में शामिल नहीं किया जाता कौन से एरिया में शामिल नहीं किया जाता है तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा ऑल द एफ द बाल्स एलॉन्ग द विथ डोर्स एंड अदर ओपनिंग्स में भी शामिल नहीं किया था बाथरूम एंड लैबोरेटरी में शामिल नहीं किया था किचन एंड पेंट्री में शामिल नहीं किया था तो इसका जो आंसर होगा ऑल द एव हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द डैम प्रूफ कोर्स से हम डी पी सी बोलते हैं इज मेजर्ड इन डी पी सी को किसमें मेजर किया जाता है तो स्क्वायर मीटर में ये डी पी सी मेजर किया जाता है तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा स्क्वायर मीटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ब्रिक बाल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज यहाँ ब्रिक बॉल्स को मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में जब उसकी थिकनेस हो दीवाल की कितनी हो तो टेन सेंटीमीटर जब दीवाल की थिकनेस हो तब ब्रिक वॉल को मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा टेन सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर थर्टी इन लॉन्ग एंड शॉर्ट बाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन लेंथ ऑफ लॉन्ग बॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड हाफ ब्रेथ ऑफ बाल ऑन ईच साइड तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन शेड्यूल ऑफ रेट्स इज रिवाइज शेड्यूल ऑफ रेट्स जैसे एस ओ आर बोलते हैं वो रिवाइज कब किया जाता है तो एट लीस्ट एट द एंड ऑफ एवरी फाइव ईयर्स तो कम से कम जो पाँच साल है पाँच साल का जो आखिरी ये साल होता है तब उसमें को क्या करते हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स को रिवाइज किया जाता है एस को तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट लीस्ट एट द एंड ऑफ एवरी फाइव ईयर्स क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ अर्थवर्क इन फिलिंग इज पेबल वैन द लिफ्ट एक्सीड्स तो ये बोल रहा है कि एक्स्ट्रा रेट अर्थवर्क के लिए कब पे करना पड़ता है फिलिंग में जब लिफ्ट जो है ना ज़्यादा हो कितने लिए से लिफ्ट ज़्यादा हो थर्ट लिफ्ट ज़्यादा हो वन पॉइंट फाइव मीटर से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एक्स्ट्रा रेट ऑफ अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट इज पेबल एंड द लीड एक्सीड यहां लीड की बात कर रहा है तो लीड कितने से ज़्यादा हो जाए तब एक्स्ट्रा रेट हमको देना पड़ेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा थर्टी मीटर लीड के केस में हम थर्टी मीटर लेते हैं और लिफ्ट uh, के केस में हम वन पॉइंट फाइव मीटर लेते हैं तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा थर्टी मीटर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर करेक्ट अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी इन स्टेज फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग इज यहाँ करेक्ट अरेंजमेंट की बात कर रहा है एक्यूरेसी की स्टेज फर्स्ट एस्टिमेट के लिए तो कुछ पहला पॉइंट दिया क्यूबिक कंटेंट सर्विस यूनिट प्लिंथ एरिया तो सबसे जो कम एक्यूरेसी होगी वो सर्विस यूनिट की होगी उसके बाद उससे ज़्यादा एक्यूरेसी होगी प्लिंथ एरिया की सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होगी क्यूबिक कंटेंट की तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव ये हॉस्टल बिल्डिंग फॉर यू पॉलिटेक्निक इज कॉल्ड इट्स तो ये किसके अंतर्गत आएगा उसको सब बोलेंगे हम तो बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेज फर्स्ट एस्टिमेट इज तो स्टेज फर्स्ट एस्टिमेट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है टू नो बिफोर हैंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द प्लिंथ एरिया रेट फॉर फर्स्ट फ्लोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्राउंड फ्लोर एज तो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वेन इज द डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर हम डिटेल एस्टिमेट कब करते हैं आफ्टर इन्विटेशन ऑफ इंटेंडर्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन स्टेज फर्स्ट एस्टिमेट इज प्रिपेयर टू गेट तो एन आई डी ऑफ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क इसके लिए भी हम करते हैं एन आई डी अबाउट फीजिबिलिटी ऑफ वर्क इसके लिए भी करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हम क्या करते हैं डिटेल जो सॉरी स्टेज फर्स्ट एस्टिमेट करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द एब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी लाइनिंग लाइनिंग ऑफ कैनाल इज़ प्रोवाइडेड तो हम लाइनिंग ऑफ कैनाल प्रोवाइड करते हैं किस लिए करते हैं टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ये भी करेक्ट आंसर है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय सी पेज ये भी सही है टू प्रोवाइड स्मॉलर सेक्शन ऑफ चैनल ये भी करेक्ट है तो इस ऑल ऑफ द इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पेमेंट ऑफ कैनल लाइनिंग इज मेड तो जो कैनल लाइनिंग है उसका पेमेंट करते हैं वो किस में किस में करते हैं हम पर स्क्वायर मीटर में करते हैं तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइडेड वन द इीगेशन चैनल पासिस ओवर द नाला और स्ट्रीम इज इस एज उसको एक्विडक्ट बोलते हैं तो एक इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री मैच द वर्क लिस्टेड इन कॉलम ए विद द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग स्टेज फर्स्ट एस्टिमेट लिस्टेड इन कॉलम बी कॉलम ए कॉलम बी को क्या कराना है यहाँ पर मैच कराना है तो इसमें दिया है कॉलम ए e में हॉस्पिटल बिल्डिंग तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा पर बेड में लेते हैं पर बेड हो जाएगा इसका ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स का क्या हो जाएगा हमारे पास इसका हो जाएगा पर मीटर और ओवरहेड टैंक का हमारा हो जाएगा पर लीटर ऑफ कैपेसिटी हो जाएगा डैम्स का हमारा हो जाएगा पर हेक्टेयर मीटर ऑफ स्टोरेज हो जाएगा वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी प्रोजेक्ट का हमारा हो जाएगा पर हेड पॉपुलेशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मैंने दिए हुए हैं नीचे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर राइड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग आइटम्स तो नीचे जो आइटम्स दिए हुए उसका मेजरमेंट यूनिट लिखना है तो अर्थवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फिलिंग हम मेजरमेंट जो यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर होती है सेंटरिंग एंड सेटरिंग की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर मीटर होती है वाटर क्लोजेट्स जिसे हम डब्ल्यू सी बोलते हैं वास बेसिन कॉमा सिंक इसकी जो यूनिट होती है मेजरमेंट यूनिट वो क्या होती है नंबर्स में यूनिट होती है इसकी संख्या हमें लेते हैं फ्लोरिंग तो फ्लोरिंग की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर मीटर होगी रेलिंग की जो यूनिट यूनिट होगी वो मीटर में होगी प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर में होगी तो इसके करेक्ट आंसर मैंने नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव राइट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग आइटम्स यहाँ भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में बोल रहा है वो तो पहला दिया हुआ वाइट वाशिंग कलर वाश पेंटिंग इनके लिए जो यूनिट होती है ध्यान रखना आप स्क्वायर मीटर में यूनिट होती है तो इसकी यूनिट हो जाएगी पहले की स्क्वायर मीटर सेकेंड वाले की यूनिट क्या होगी वुड वर्क फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम्स तो वुड वर्क फॉर डोर और विंडो फ्रेम्स के लिए अगर बोले तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्यूबिक मीटर में होगी आपको ध्यान रखना है थर्ड वाले में आते हैं हम डोर एंड विंडो शटर्स डोर एंड विंडो शटर की जब बात करें वो तो ये स्क्वायर मीटर में हम इसके मेजर करते हैं तो फोर्थ वाले में आते हैं वुड वर्क इन पार्टीशन प्लाईवुड वुड हार्डबोर्ड तो इसके लिए जो यूनिट होगी मेजरमेंट जो यूनिट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी स्क्वायर uh, मीटर में होगी फिफ्थ वाले में मेजनरी वर्क ब्रिक एंड स्टोन इसकी जो यूनिट होगी वो क्यूबिक मीटर होगी इसकी भी आंसर मैंने यहाँ दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द क्वेरी चार्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर क्वेरी चार्ट प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है बनाया जाता है तो फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ क्वरीज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंप्यूटिंग डिस्टेंस फॉर लीड तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन गिव द यूनिट्स फॉर द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स तो नीचे जो मटेरियल्स दिए हुए हैं उनकी सप्लाई यूनिट्स लिखना है तो पहले पर दिया है ब्रिक्स जिससे हम ईट बोलते हैं तो इसकी जो सप्लाई यूनिट होगी वो क्या होती है पर पर थाउजेंड नंबर्स में होगी ये मतलब क्या होती है प्रति एक हज़ार संख्या में होती है भिटमन सेकंड नंबर पर दिया है विटमन तो इसकी जो यूनिट होगी टन में लेते हैं थर्ड पर दिया डब्ल्यू सी सीट तो बाटा क्लोजेट की जो सीट होगी वो नंबर्स में लेते हैं फोर्थ पर दिया है स्टॉप कॉक कॉक को। को। तो स्टॉप जो कॉक है वो नंबर्स में लेते हैं फिफ्थ पर दिया है सीमेंट तो सीमेंट लेते हैं बैग में इसके मैंने आंसर यहाँ दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट गिव द यूनिट्स फॉर द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स तो यहाँ भी सप्लाई यूनिट के बारे में बात करें मटेरियल्स की पहला दिया है वार्निश तो वार्निश किसकी यूनिट जो होगी वो होगी लीटर में डिस्टेम्पर की यूनिट होगी के जी में एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग की यूनिट होगी किलोग्राम लीड फॉर ज्वाइनिंग सी आई पाइप सी आई पाइप का मतलब कास्ट आयरन पाइप तो इसकी जो यूनिट होगी किलोग्राम में लेंगे यहाँ पर ठीक है तो इसकी भी आंसर मैंने यहाँ दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन गिव द यूनिट्स फॉर द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क तो यहाँ भी सप्लाई यूनिट की बात कर रहा है तो पहला दिया कोस्ट डबल मेजनरी इन लाइम मोटर तो ये क्यूबिक मीटर में इसकी यूनिट होती है फॉल्स वर्क फॉर फिफ्टीन सेंटीमीटर आ से स्लेब तो इसकी जो यूनिट होगी इसको मीटर में होगी सीमेंट कॉन्क्रीट बन रेसो फोर रेसो एट इन फाउंडेशन तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्यूबिक मीटर में होगी अर्थ वर्क इन एक्सक्यूबेशन फॉर फाउंडेशन इसकी यूनिट भी क्यूबिक मीटर में होगी तो इसकी भी आंसर मैंने यहाँ दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी गिव द यूनिट्स फॉर द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क फैला दिया है वेल्व well एक्सक्यूसन तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्यूबिक मीटर में हो जाएगी कट स्टोन वर्क इसकी यूनिट भी क्यूबिक मीटर में होगी ब्रिक कॉपिंग इसकी यूनिट भी मीटर में इसकी यूनिट मीटर में होगी असलत मशीनरी की यूनिट होगी वो क्यूबिक मीटर में होगी तो इसके आंसर मैंने यहाँ दिए हुए हैं अगर आज का लेक्चर में आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई